MPL एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप गेम खेलने के साथ साथ ही पैसे भी कमा सकते हैं। MPL एप्लीकेशन कैसे यूज किया जाता है, कैसे इसमें गेम खेले जाते हैं, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि MPL एप्लीकेशन में गेम खेलकर जो पैसे कमाए जाते हैं उनको बैंक अकाउंट में कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। MPL से पैसे निकालने के लिए आपको राइट साइड में वॉलेट पर क्लिक करना है। आपके सामने सभी बैलेंस आ जाएगा, जैसे कि विनिंग कैश, डिपॉजिट कैश, बोनस कैश। इसमें जो विनिंग कैश है आप सिर्फ इसी को विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी जो बोनस कैश है इसको आप यूज कर सकते हैं गेम खेलने में, और गेम खेलकर जो आप कैश विन करेंगे वो आपके विनिंग कैश में आ जाएगा, उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास विनिंग कैश है 2,002 रुपए 75 पैसे। तो इनको विड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ विड्रॉ बटन पर क्लिक करूंगा। इसमें फर्स्ट टाइम आपको KYC करनी होती है, तो वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसमें आप वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई एक ID प्रूफ देना होगा, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, जैसे कि मैं पैन कार्ड चुन लेता हूँ। इसमें आपको पैन कार्ड की फोटो अपलोड कर देनी है, जिसके लिए आप अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो कैमरा से डायरेक्ट फोटो क्लिक कर सकते हैं अपने ID प्रूफ का, या फिर अगर आपकी फोन गैलरी में सेव है तो आप अपलोड फ्रॉम फोन गैलरी पर क्लिक करके उसको चूज कर लेंगे अपने गैलरी से। इसके बाद आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे जैसा आपका ID प्रूफ पर लिखा हुआ है। इसके बाद लास्ट नेम डालेंगे, नीचे यहाँ पर आप अपना ID प्रूफ नंबर डालेंगे, नीचे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, इसके बाद स्टेट चुनेंगे और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपकी KYC डिटेल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना होगा KYC के कंफर्म होने का। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है कि आपकी KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ओके। अब क्योंकि हमारी KYC कंप्लीट हो चुकी है तो हम वॉलेट पर क्लिक करेंगे और बैलेंस विड्रॉ करने के लिए विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने KYC का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि हमने KYC कर ली है। पैसे विड्रॉ करने के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप Amazon Pay में विड्रॉ कर सकते हैं, UPI के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं, आप सीधे Paytm या बैंक अकाउंट में भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हम बैंक अकाउंट में विड्रॉ करेंगे तो बैंक अकाउंट के सामने लिंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अकाउंट नंबर डालना है, इसके बाद अकाउंट नंबर दोबारा से डालेंगे कंफर्म करने के लिए। नीचे आपको IFSC कोड डाल देना है, ये बैंक की पासबुक में लिखा होता है या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको अपना नाम डाल देना है जैसा बैंक में लिखा हुआ है। इसके बाद लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। इसके बाद आप अमाउंट डालेंगे जितना भी आपको विड्रॉ करना है और इसमें आप चूज कर लेंगे बैंक अकाउंट हम अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना चाहते हैं। इसके बाद विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है और 2,000 रुपए सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो चुके हैं। इसके बाद बैक टू वॉलेट, तो आप देख सकते हैं विनिंग कैश में अब कोई बैलेंस बाकी नहीं रहा है क्योंकि हमने बैलेंस सक्सेसफुली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लिया है। और यहां आप मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, हैंड टू हैंड 2,002 रुपए बैंक अकाउंट में आ चुके हैं, जो कि आप यहां देख सकते हैं। सो इस तरह से MPL एप्लीकेशन से आप सीधे अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं।